मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल पहुंचे बिंदेश्वरी बघेल पार्क। उन्होंने ग्रामीणों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने मेरे परिवार के प्रति आस्था व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ के ग्राम भरदा विकास खंड डोंडी लोहारा जिला बालोद में स्थापित बिंदेश्वरी बघेल पार्क के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने मेरे परिवार के प्रति आस्था व्यक्त की है, मैं बहुत अभिभूत हुआ हूं। आपका प्यार और प्रयास से पिछले 4.5 साल पर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का सम्मान बढ़ा है। नंद कुमार बघेल ने कहा कि भूपेश बघेल प्रधानमंत्री बनेंगे तो रोटी की ताकत परमाणु बम से भी अधिक होगी। उन्होंने माँ बिंदेश्वरी पार्क में गुलमोहर का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती बिंदेश्वरी देवी हमेशा कहा करती थी कि गांव गरीब और किसानों के उन्नति से ही छत्तीसगढ़ एवं देश की उन्नति होगी। माँ के आदर्शों को आत्मसात कर वे छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास एवं समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप आज छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में एक आत्मनिर्भर एवं खुशहाल राज्य के रूप में उभरा है। बिंदेश्वरी बघेल पार्क के समीप खरखरा नदी में पचरी निर्माण, वोटिंग व्यवस्था एवं सौंदर्यकरण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल के पिताजी श्री नंद कुमार बघेल जी का आगमन हुआ था और काफी उत्साह नजर आ रहे थे और उनके आंखों में नमी थी और मतलब जो भी उन्होंने बोले कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे परिवार के लिए जो मूर्ति की स्थापना की है वो परिवार के लिए काफी खुशी की बात है और यही प्यार हमेशा रखने के लिए बोले हैं जो किसानों ने उनके प्रति दिखाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो किसानों के लिए जितना उन्होंने छत्तीसगढ़ में किया है वो काफिले तारीफ है और इनसे किसान हमारे आसपास के किसान कहो या पूरे छत्तीसगढ़ के किसान कहो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे एक घोषणा भी करके गए हैं कि इस पार्क को ऐसा बनाओ कि पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर सभी जो आसपास के जितने भी लोग हैं यहाँ पे आ सके। बालोद से केपी चंद्राकर की रिपोर्ट। बस देखते रहिए सीजी विजन टीवी।